नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब आप कोई काम नहीं करते हो तब कुछ अच्छा और अलग करने का सोचा करो, जिससे बेकार सोच आने की संभावना ही कम हो जाए। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। आपको भी हमेशा छोटे और विनम्र बनकर रहना चाहिए। अपने ये तो सुना ही होगा कि झुके हुए पेड़ों पर ही फल लगते हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने कि संगत का जरा ध्यान रखना साहेब, संगत आपके खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत देना, जिन्होंने आपको सुख दिया खुद दुख सहकर। सीख जाओ वक्त पर किसी की कदर करना, कहीं वो थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहने वाला है 4। आज आपकी नौकरी की स्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं या पद उन्नति की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा। आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। आपकी आय और व्यय में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपकी अच्छी कमाई होगी, लेकिन साथ ही खर्च के कारण आप अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अनावश्यक खरीद और व्यय से बचने की कोशिश करें। आज का जो दिन है वो आपके धन से रिलेटेड मामलों में थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है आपको। सितारे कह रहे हैं कि आपको उधार पैसा लेने और देने दोनों ही मामलों से बचना पड़ेगा, वरना नुकसान हो सकता है। अगर आप वित्तीय मामलों में लापरवाही रखेंगे तो संभव है कि आपको काफी नुकसान उठाना पड़े। साथ ही साथ कुछ लोगों से आपके जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकते हैं, स्पेशली बिजनेस और जॉब में। इस कारण जो है आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं आपकी राशि में विराजित होकर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बना रहे हैं। आज इस समय जो है दूसरों से हेल्प लेने की अपेक्षा अपनी कार्य प्रणाली पर विश्वास रखें, यानी खुद के हौसले पर, हार्ड वर्किंग पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं का आप भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी खरीदारी आदि में अनावश्यक खर्च हो जाएगा आज के दिन। हो सकता है कि आप अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची कर दें और बाद में जरूरत आने पर पछताना पड़े। इसीलिए जेब देखकर ही सब कुछ खर्च करिए, वरना आने वाले दिनों में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आज आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि व्यस्तता के बारे में। आज आपको काफी व्यस्तता से गुजरना पड़ेगा। आपको एक समय में कई काम भी करने पड़ सकते हैं, यानी आप काफी मल्टीटास्किंग करेंगे या एक काम खत्म होते ही आपको और काम भी मिल सकता है। वैसे बात तो बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ आपको थकान या फिर मानसिक रूप से परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आपको आज मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आपके पार्टनर्स या फिर बॉस आपके काम के तरीकों से काफी संतुष्ट और खुश हो सकते हैं। यह आपके अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। आपकी राशि के जो स्वामी चंद्रमा है आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां आज बनाकर हुए हैं। परिस्थितियां वश कार्यों में आ रही दिक्कतों में अब कुछ आपको राहत मिल सकती है। कोई पॉलिसी वगैरह भी मैच्योर होने से भी आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत रहेंगी। सिर्फ अपनी मनमर्जी ना करके दूसरों की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन। किसी बात पर ज्यादा अड़ जाने से कुछ फैसले उलट सकते हैं। देखिए, मनमानी मत कीजिए, दूसरों की भी जरा आज सुनेगा, वरना आज आपसे काफी ज्यादा बहस कोई कर सकता है। साथ साथ में किसी प्रकार का मतभेद को टालना भी बेटर रहेगा। अगर हो सके तो आज किसी से भी वाद विवाद मत कीजिएगा।
लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना रिलेशन खराब कर सकते हैं और इसकी वजह से आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ही बुरा हो सकता है। और साथ ही साथ में जो आज के दिन स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो है समय अनुकूल तो रहेगा ही, लेकिन आप में से कुछ लोगों का पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की ओर फोकस करने के लिए तैयार रहना होगा, वरना आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के व्यवसाय यानी बिजनेस और करियर के बारे में कि क्या कहता है। आज आप अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कार्य की गति आपकी धीमी पड़ सकती है, कोई नुकसान भी होने की संभावना बन रही है। बेहतर तो यही होगा कि सारा काम आप अपनी निगरानी में और देखरेख में करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बजाय इसे कि आप दूसरों पर निर्भर हो। साथ ही साथ में आज वित्त की स्थिति भी अच्छी बढ़िया है, दोस्तों को पैसे उधार देने का समय अच्छा नहीं है क्योंकि आप इसे वापिस पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दे देते हैं तो जब आपको चाहिए होंगे तब आपको वापस लेने में बहुत ही मुश्किलें आ सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही आज आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दीजिएगा। शेयर आदि जैसे कार्यों में फायदा हो सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। सरकारी कामों में किसी प्रकार की रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर थोड़ी सी मेहनत करें और दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, फिर जो है आपके लिए बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके वरिष्ठों में आपकी बहुत मांग रहेगी, आप आज सुर्खियों में रहेंगे, आपके पास अपने कार्य को पूरा करने के लिए सही कौशल है, इसका आपको भरपूर मात्रा में उपयोग करना होगा और अपना जो चीजें हैं जो आप में हुनर है वो आपको दिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझे कि आप भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। तो आज लव लाइफ कहती है कि प्रेम से रिलेटेड रिश्तों को मजबूत करने में आपकी इम्पोर्टेंट भूमिका बनी रहेगी और स्थिति जो है उल्लासपूर्ण रहेगी, यानी खुशी का माहौल बना रहेगा, परिवार में भी सुखद वातावरण रहेगा, किसी मेहमान के आने की खुशी में घर का वातावरण भी बदल सकता है। आप अपने साथी से चिड़चिड़े लगते हैं, शांत रहें, आपका साथी आपकी हर बात सुनेगा अगर आप शांत रहते हैं तो। इसी के साथ ही पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर बहस उमासे की स्थितियां आप में से कुछ लोगों की बनी हुई हैं। अविवाहित लोगों के लिए आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का दिन हो सकता है, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, कहीं जा सकते हैं बाहर। अपने साथी को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो उन्हें पसंद हो। इस रिश्ते को काम करने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो आज हेल्थ कहती है कि कफ खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आज आप महसूस कर सकते हैं। लापरवाही मत कीजिएगा, बल्कि प्रॉपर इलाज करें, घर में ही अगर इलाज करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं आज आप में से कुछ लोग जो है भारी संगीत सुनने से बचना होगा, वरना आपको सिर दर्द या फिर माइग्रेन की पेन हो सकती है, जिससे आप जो है मानसिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं और नींद की भी कमी हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो है बहुत अधिक सोचना आप में कुछ नेगेटिविटी विचार जो है उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर आज आपको काबू भी रखना पड़ेगा। अपने काम को ज्यादा मात्रा में मत कीजिएगा, आपको कमर या फिर पीठ में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जितना हो सके उतना काम कीजिए वरना जो है आपको कहीं दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की विशेष उपाय के बारे में। सबसे पहले तो आज उपाय में आपको उत्तर पूर्व की ओर मुख करके सोना चाहिए और साथ ही साथ में एक जो तांबे का बर्तन है उसके बीच में आप पानी भरकर अपने सिरहाने के पास लेकर सो जाइएगा और सुबह उठते ही जो पानी है आप किसी पौधे में डाल दें, इससे जो है नेगेटिव ऊर्जा जो है आपसे दूर हो जाएगी, साथ ही साथ अगर कोई आपको नज़र वगैरह लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर जो है
ओम का चिन्ह बनाते हैं या फिर कुछ लगाते हैं ऐसा, तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।